जतिन वैसे तो जयपुर का रहने वाला था, लेकिन करीब एक साल पहले अपनी नौकरी के सिलसिले में वो बैंगलोर शिफ्ट हो गया था। बैंगलोर आने के बाद से वो पहली बार अपने घर दिवाली की छुट्टियों पर जा रहा था। जब तक बहुत जरूरी ना हो, जतिन कभी भी अपने काम से छुट्टी नहीं लेता था, और यही सोच के उस दिन भी जतिन ने जयपुर जाने के लिए देर रात की फ्लाइट बुक की ताकि उसको उस दिन भी छुट्टी ना लेनी पड़े। मगर वो रात शायद उसकी लाइफ की दिल दहला देने वाली रात होने वाली थी। उस रात जतिन ने ऑफिस का सारा काम जल्दी निपटाकर पहले अपने फ्लैट से अपना सामान उठाया और फिर टैक्सी लेकर बैंगलोर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। एयरपोर्ट पहुंचकर वो टैक्सी ड्राइवर को पैसे देने लगा, मगर वो ड्राइवर एक टक सामने की तरफ देख रहा था, यहां तक कि जतिन की आवाज भी उसे सुनाई नहीं पड़ रही थी। ड्राइवर को देख जतिन सोच में पड़ गया कि ड्राइवर इतने गौर से किसे देख रहा है, जबकि चारों तरफ इतना सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन इससे पहले कि जतिन दोबारा उससे कुछ भी कहता, ड्राइवर ने घबराते हुए खुद पूछा, सर आपने देखा उसे वहां पार्किंग की तरफ? किसे? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। वो गायब हो गई सर, वो हवा में गायब हो गई। अरे मुझे क्यों नहीं दिखी फिर? और कोई हवा में कैसे गायब हो सकता है? आप खामखा घबराओ मत। मुझे पता है सर, आप मेरी बातों का यकीन नहीं करेंगे, पर अभी अभी मैंने पार्किंग की तरफ एक औरत को सफेद साड़ी में देखा। उसने पूरा चेहरा अपने बालों से ढक रखा था सर। अब तक तो मैंने सिर्फ सुना था, लेकिन ऐसा भेस तो सिर्फ एक भटकती आत्मा का ही हो सकता है। देखो हो सकता है कोई हो वहाँ पर, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो मुमकिन नहीं है। आप खुद भी डर रहे हैं और खामखा मुझे भी डरा रहे हैं। ये लो आपके पैसे। ये सुनकर ड्राइवर पैसे लेकर वहां से चला तो जाता है, मगर सच सिर्फ वही जानता है कि उसने उस रात वाकई एक सफेद साड़ी वाली औरत को देखा जो पलक झपकते ही गायब हो गई थी। हालांकि जतिन को उस टैक्सी ड्राइवर की बात पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ, पर उसको घबराए हुए देखकर वो थोड़ा सा डर जरूर गया था। रात के करीब 11 बज रहे थे और उसकी फ्लाइट को अभी काफी समय था, इसलिए वो वेटिंग एरिया में फोन पर गेम खेलते हुए इंतजार कर रहा था कि तभी उसकी नजर एस्केलेटर्स की तरफ पड़ी। पहले उसको महसूस हुआ जैसे झटके से कोई अजीबोगरीब चीज गुजरी हो वहां से, लेकिन फिर वो अपना वहम मानकर गेम पर कॉन्सेंट्रेट करने लग जाता है। कुछ देर बाद फिर उसका ध्यान एस्केलेटर्स के पास जाता है। इस बार उसने कुछ ऐसा देखा जिसने जतिन को झंझोड़ कर रख दिया। कुछ देर तक वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। एयरपोर्ट जैसी हलचल भरी जगह पर किसी का ऐसा डरावना रूप नजर आना मुमकिन नहीं हो सकता। उसने देखा कि एस्केलेटर के पास कोई आदमी खड़ा है, बेहद डरावना किस्म का, बिना सर वाला आदमी, या यूं जैसे कोई मुर्दा लाश हो लेकिन बिना सर के, और वो जतिन को अपने तरफ आने के लिए इशारा करने लगा। ये भयानक नजारा देखकर उसके चेहरे पर से हवाइयां उड़ गईं। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहां जाए और किसकी मदद ले। देर रात होने की वजह से वहां लोगों की आवाजाही भी काफी कम थी, कुछ गिने चुने लोग ही थे वहां पर। ऐसा लग रहा था मानो पूरा एयरपोर्ट जैसे वीराना हो गया। ऐसे में पहले उसने नजरअंदाज करने की बहुत कोशिश की और हेडफोन्स लगाकर वो गाना सुनने में मगन हो गया, लेकिन स्थिति ऐसी थी कि उसके लिए एक एक सेकंड वहां बिताना जैसे मुश्किल होता जा रहा था। ना चाहते हुए भी बार बार उसकी नजर उधर ही जा रही थी, और अगले कुछ पल के लिए वो भयानक रूपी आदमी गायब हो गया। जतिन जैसे ही थोड़ा चैन की सांस लेने लगा, वो आदमी फिर से दिखाई देने लगा। वो बिना सर वाला आदमी एस्केलेटर के सहारे ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था। जैसे ही जतिन की उस पर नजर पड़ी कि वो दोबारा अपने तरफ आने के लिए हाथों से इशारा करने लगा, जतिन ने इस बार देखते ही अपना सामान उठाया और वहां से भागने लगा कि तभी वहां से एयरपोर्ट का एक ग्राउंड स्टाफ गुजर रहा होता है। जतिन फौरन उसको आवाज लगाता है, अभी अभी वहां उस तरफ किसी को देखा मैंने, वो बहुत डरावना लग रहा था। सर प्लीज आप डरिए मत, कोई भी नहीं है वहाँ। नहीं वो सच में खड़ा था उधर एस्केलेटर्स के पास। पहले वो ऊपर गया फिर नीचे आकर खड़ा हो गया।
मैंने एक बार नहीं कई बार देखा है उसको, अभी फिर से वो गायब हो गया है। पर सर ये हो ही नहीं सकता, एस्केलेटर्स तो कल से खराब पड़ा हुआ है, वहाँ काम चल रहा है सर, इसीलिए वो एरिया घेर कर भी रखा हुआ है। आप खुद ही देख लीजिए, कोई कैसे जा सकता है वहाँ। जतिन ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से उस बिना सिर वाले भयानक आदमी को एस्केलेटर के इर्द गिर्द घूमते देखा था। एक तो पहले से ही जतिन खौफ से हांफ रहा था, अब ऐसे में एयरपोर्ट कर्मचारी ने उसे ऐसी बात बताई जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की हो। वाकई ये सब कुछ जतिन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक पल तो जतिन को भी ऐसा ही लगा जैसे वो कर्मचारी उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही जतिन अपने शक को दूर करने के लिए एस्केलेटर्स की तरफ बढ़ने लगता है कि कर्मचारी उसे रोक देता है। आप मेरी बात मानिए सर, वहाँ मत जाइए, मैं आपको डराना नहीं चाहती सर, मगर शायद आपने जिस डरावने दिखने वाले आदमी को देखा वो असल में भूत था, और ये मैं आपको कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं बल्कि आंखों देखी सच बता रही हूँ। ये चौंका देने वाली बात सुनकर जतिन शॉक्ड हो जाता है कि उसका सामना किसी अजीबोगरीब दिखने वाले इंसान से नहीं बल्कि एक भूत से हुआ है। उस कर्मचारी का यह भी कहना था कि उसने भी एक बार नाइट शिफ्ट के दौरान इस साये को महसूस किया था, और न सिर्फ उसने बल्कि बेंगलोर एयरपोर्ट के अलग अलग हिस्सों में रात के समय कई यात्रियों और कई अन्य एयरपोर्ट कर्मचारियों ने एक सफेद साड़ी वाली औरत को देखा है, लेकिन इससे पहले कि कोई उसे ठीक ढंग से देख पाए वो गायब हो जाती है। सफेद साड़ी वाली औरत की बात सुनते ही जतिन को उस टैक्सी ड्राइवर के साथ हुई घटना याद आ जाती है। अभी मैंने पार्किंग की तरफ एक औरत को सफेद साड़ी में देखा। जिसने पार्किंग एरिया में सफेद साड़ी वाली औरत को देखा था और वो भी पलक झपकते ही गायब हो गई थी। जतिन को कहीं ना कहीं अब यह एहसास होने लगा था कि टैक्सी ड्राइवर का सामना सच में एक चुड़ैल से हुआ था, मगर साथ ही उसको सबसे ज्यादा इस बात पर हैरानी हो रही थी कि एयरपोर्ट जैसी जगह पर भूत प्रेत का वास कैसे हो सकता है, वो भी बेंगलोर एयरपोर्ट जो 2400 घंटे व्यस्त रहता है। मगर हकीकत में भूतों की कोई जगह नहीं होती, वो होने के लिए कहीं भी भटक सकते हैं, शायद इस वक्त हमारे आसपास भी। अब अगली बार जब भी आप बेंगलोर एयरपोर्ट से लेट नाइट फ्लाइट लेंगे तो यहां के डरावने किस्से आपको जरूर याद आएंगे। ऐसे हिला देने वाले एक्सपीरियंस के बाद जतिन के लिए यह सफर करना आसान नहीं था। जयपुर पहुंचने के बाद भी उसकी हालत वैसी ही थी, क्योंकि उसे भूत प्रेत पर कभी से विश्वास नहीं था, मगर उस रात की घटना के बाद से वो एक पल के लिए भी अकेले रहने से डरता था। वो दिन और आज जतिन ने फिर कभी बेंगलोर एयरपोर्ट से रात की फ्लाइट नहीं ली और ना ही किसी को सलाह दी।